Welcome, my dear students, in the e-learning classes of 796 Academy. Today, in this video, on the topic ordinate geometry, I am going to explain you and we'll discuss and derive one very important formula, that is the section formula. चलिए अब उसके विषय में हम डायरेक्ट बिना कोई भूमिका के डायरेक्ट उसको लेकर आते हैं. सेक्शन फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे. Here I have already take two point, for this A coordinates is x1 and y1, B x2 and y2. Then the point C divide AB in the ratio AC is to CB, that is equal to m1 into m1 is to m2. यानी कि AC का वैल्यू हो गया हमारा m1 और इसका वैल्यू हो गया हमारा We assume that let the coordinate of C is equal to x and y. So in this formula, we will try to find out the value of this x and y in the context with m1 and m2, x1, y1 and x2, y2. In तीनों के respect में हम किसका formula derive करेंगे? X का formula और y का formula. हमारे पास क्या गिवन है? लाइन सेगमेंट AB, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज गिवन, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज गिवन, एंड ए पॉइंट C डिवाइड AB इन AC टू CB इन अ सर्टेन रेशियो. सो हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट? ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन है हमारा. तो इस पे भी हम बहुत सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. दिस फैक्ट्स आर गिवन. गिवन हम देखेंगे, गिवन क्या हो गया हमारा? A is equal to x1, y1, B is equal to x2, y2, और AC is to CB हमारा दिया हुआ है m1 is to m2. Find the coordinate of C, x and y. अब देखिए कितने सारे perpendicular draw करते हैं constructs का. Draw AM. CN, और ये मान लेते हैं AMOP, BP मान लेते हैं, या K मान लेते हैं, क्योंकि और B ऐसा रहता है, फिर AL और ACB मान लेते हैं. हमने कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए? 1, 2, 3, 4, 5. क्या लिखें? अब कुछ वैल्यू निकालेंगे. इसके पहले डिस्टेंस फार्मूला में हमने दो वैल्यू निकाला था, परपेंडिकुलर और बेस का. अब हमको दो परपेंडिकुलर और दो बेस के फार्मूला आपको वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे, चलो AL का वैल्यू. AL कितना हो जाएगा बच्चों? ON माइनस ON. Are you getting? AL is equal to? AL is equal to ON minus OL. ON minus OL. ON कितना है बच्चों? इसके कोऑर्डिनेट को हमने माना है x और इसके कोऑर्डिनेट को माना है y. ON is equal to x minus क्या हो जाएगा? x minus x1. कितना डिस्टेंस पर है? x1 डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस पर है. कितना हो जाएगा? x minus x1. फिर हम निकालेंगे CD. CD का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? OK minus ON. OK minus ON. OK minus ON. OK क्या होता है हमारा? X2. और ON हमारा क्या हो गया? X. ON देखा नहीं ना हमारा? X.
प्रिंसिपल निकालेंगे हम बी डी। बी डी क्या हो जाएगा? बी के माइनस सी एन। बी के माइनस सी एन, बी के कितना हो गया हमारा वाई टू, और सी एन कितना हो गया हमारा केवल वाई टू है ना। सीएल सीएल क्या हो जाएगा हमारा सी एन माइनस एक सी एन माइनस सी एन हमारा कितना है वाई, और ए एन कितना हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्या हो गया हमारा वाई। ठीक है, अब सिमिलरिटी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? ये दो आंकल क्यों ऊपर होगा? Why these two angles are equal? Which type of angles this angle B and angle C? किस तरह का एंगल है? बासिक क्यों आंसर दे रहा है? और बच्चों को नहीं समझ पा रहा है कि two parallel lines are given and we have one transversal intersect, then these two are which type of angle? Corresponding angle नहीं पढ़ा है क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, किस दुनिया में है आपको? तो ये ट्रायंगल ALC, ट्रायंगल ALC सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। याद रखना बच्चों, अगर मेरा वीडियो अगर देखोगे सिमिलरिटी ट्रायंगल्स पर, मैंने चार वीडियो केवल इस चीज पर स्ट्रेस किया है कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल करेक्टली इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। वो सबसे जरूरी होता है ट्रायंगल का सही नाम लिखना सीखना। अब आ जाए देखिए, हमने दिया ए एल सी, ट्रायंगल ए के बाद कौन सा है? सी है, फिर ये एल, एल के बाद कौन सा है? डी है, एल के बाद हमने क्या दिया है? डी दिया। अब बच्चा लोग उसी को लेंगे। Why these two triangles are similar? What is the reason? Angle angle. Very good. Angle angle. Angle angle कौन सा? Angle two angle equal है तो two हो जाएगा। तीसरा angle equal है, if two angles are equal, equal automatically third angle will be also equal. प्लीज स्टडी बच्चों, ध्यान दो क्योंकि आप में से बहुत बच्चों को सिमिलरिटी समझ में नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूं। यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद द टॉपिक व्हाट वी हैव टॉट मंथ्स अर्लियर। प्लीज वर्क हार्ड, बिकॉज इफ यू आर नॉट स्टडी द अर्लियर पोर्शन एंड विच आर कनेक्टेड विद द लेटर टॉपिक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। एंड मैथ्स याद रखना है आपको, कि मैथ्स के लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना जरूरी है। कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स बाय ओनली रटिंग मैथ, रट्टा पारों से आपको नहीं आएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हमने इसको ना, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर आर टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द टू बेसिक रिजल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होता है बस इतना बता दीजिए। देयर corresponding angles are equal and corresponding sides are equal. Corresponding sides are proportional. Equal नहीं होंगे, याद रखना है। This is the two major result of similar triangles, that corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. Please study similarity chapter. I have completed this one. पछताओगे बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको। Proportional का मतलब क्या होता है? A upon CD, AL upon CD is equal to LC upon LC upon DB. फिर that is equal to AC upon AC upon CB. प्रोपोर्शन का मतलब ये ना हुआ, अब इसको हम वैल्यू लगेंगे AC upon CB, ये इन दोनों को पहले हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, AL upon CB is equal
इक्वल टू एल सी अपॉन क्या ए सी अपॉन सी बी। अब ए का वैल्यू देखो, ए क्या है हमारा एक्स एक्स माइनस एक्स वन, और सी बी का वैल्यू क्या है एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या हमारा ए सी इज इक्वल टू जोर से बोलो एम वन एम वन, और सी बी का वैल्यू एम टू एम टू। समझ में आ गया, कोई नया चीज मैंने नहीं किया, जो डिराइव किया उसी को मैंने क्या किया यहाँ रिप्लेस किया, लिख दिया नहीं रिप्लेस किया उसको। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या जाएगा हमारा एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स इक्वल टू एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन। अब एक्स वाले टर्म को इधर ले आओ, ये सॉरी इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा एम टू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा एम वन एक्स वन। अब इसको इधर लाओ एम वन एक्स टू माइनस एम टू सॉरी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एम टू एक्स वन हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स को कॉमन ले लो क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स, एक्स का फॉर्मूला क्या जाएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन ये बना के क्या करेगा एम वन प्लस एम टू। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्स कोऑर्डिनेट इन द कंडीशन वेयर योर कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर गिवन intersected by point C, उस कोऑर्डिनेट यू आर यूजिंग x एंड y। इसी तरह हम इसका वैल्यू निकालेंगे बच्चों y का, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में, इन दोनों क्या हमारा LC upon BB is equal to AC upon C। अब LC का वैल्यू तो आप यहां से क्या है y माइनस y1, bb का वैल्यू तो दोस्तों निकल गया होगा y2 माइनस y is equal to m1 upon, फिर यही काम करेंगे 1 2 3 4 स्टेप करेंगे क्या हो जाएगा हमारा m1 y2 माइनस m1 y is equal to m2 y माइनस m2 y। अब क्या हो जाएगा m1 y2 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा एम टू वाई वन एम टू वाई माइनस हो जाएगा क्या जाएगा एम वन वाई। यह सब क्या करेंगे वाई को कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई टू। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा एम वन वाई टू प्लस m2 y1 upon m1 plus this is the formula for y। एक दो मिनट और बर्दाश्त कीजिएगा बच्चों, इसमें एक और छोटा सा एक चीज बच गया जो मैं अभी समझा दे रहा हूँ और कंप्लीट हो जाएगी मिड पॉइंट का। फार्मूला फॉर मिड मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, ए सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू ए, मान लीजिए एम वन है और ये एम टू है, ये कितना हमारा एक्स वन वाई वन जो हो गया हमारा एक्स टू वाई टू, और इसको क्या हम मान लेते हैं एक्स और वाई टू, क्या हो जाएगा हमारा ए सी इज इक्वल टू ए सी इज टू सी बी इज इक्वल टू एम वन इज टू एम टू, क्या माने हमने क्या हो जाएगा
x1 plus x2 divided by a plus a, तो ये a का क्या? इस कंडीशन में फिर पॉइंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? x1 plus x2 divided by 2, इस तरह y का फार्मूला क्या हो जाएगा? बोलो सब लोग y1 plus y2 divided by 2. This is your basic concept of the section formula. When you are given the condition, all the three condition means the coordinate of A, coordinate of B, and ratio of AC and CB given, then you have to use this formula. For midpoint, you have to use this one. चलिए बच्चों, ये थोड़ा सा एक अपर लेवल है डिस्टेंस फार्मूला से, लेकिन कठिन नहीं है. बस ये होता है कि आप एक बार दिल से मेहनत करके इसको उतारिए और घर पर जाकर अपने से डिराइव करने की कोशिश कीजिए, फाइंड आउट करने की. क्योंकि एक बार आपने इसको अपने से फाइंड आउट कर लिया, डिराइव कर लिया, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा और उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं. आर यू गोइंग टू डू एट योर होम? यस सर. सेल्फ प्रैक्टिस, गेट कॉन्फिडेंस इन डिराइविंग द फॉर्मूला. यस सर. टिल देन ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.